टीम अप कर रहा है भाई, भूल गए, पानी में ज़ूम भर रहा है भाई, कर लो टीम अप भाई, मान लो मेरी बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो उम्र में भाई लोग क्या हाल चाल है, होपफुली सब पूरी होगा। अब देखो यार फाइनली यहाँ पे अपना हैशटैग #1 तो हो ही चुका है, एंड अपना जो मेन गोल रहेगा ना वो ये रहेगा कि यार यहाँ पे अपन जितना हो सके उतना #1 होल्ड करेंगे। अगर हो सका तो यार पूरा सीजन ही में होल्ड करने का ट्राई करूंगा जब तक कि ये वाला सीजन एंड नहीं होता। बाकी यार होप करना है कि यार पिछले सीजन अपना जो अकाउंट बैन हुआ था यार वैसा सेम टू सेम सीन ये सीजन ना हो। वैसे तो यार इस सीजन होने के चांसेस कम है क्योंकि पिछले सीजन में 10 की खेड़ी के साथ #1 किया था, तो उसी वजह से यार बंदों ने इधर मेरे को भर भर के इधर रिपोर्ट मारा था और उसी वजह से मेरा अकाउंट जो था वो इधर बैन हो चुका था। सो इस सीजन तो यार वैसा कुछ सीन है नहीं, अपना 4.5-5 का केडी मस्त एक लिमिट में, लिमिट बोल सकते हो या फिर एक मिनिमम केडी बोल सकते हो, 4.5-5 का केडी इतना कुछ ज्यादा नहीं होता। तो ये सीजन तो अपने बैन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यार देखते हैं कि अगर बीजीएमए वाले वापस से कुछ नशा करके अपना अकाउंट अगर यहाँ पे बैन कर देते तो यार फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाकी यार ये सीजन को मिला के अपन 5 times भाई #1 खेल चुके, एक तो सीजन 16 हो गया, सीजन 17, सीजन 19 C1S1 एंड अभी का जो सीजन चल रहा है C2S4, इसको मिला के यार ऑलमोस्ट अपन ने 5 सीजन #1 खेल लिया है। भाई यार याद से एक बार कमेंट सेक्शन में भाई एक बार जरूर से बता देना मेरे को कि आप मेरे को कौन से सीजन से देख रहे हैं, या था कि यार मेरे को पता भी चले कि यार कौन सा बंदा कितना पुराना है मेरे चैनल पे। एंड अभी इधर गेम की बात करें ना तो देखो अभी खेलना है, यहाँ पे 2 बंदों का टीम अप इधर मेरे ऊपर सीधा पुश मारने आ जाते हैं। अब यार पहले तो यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं था कि यार कूप के अंदर 2-2 बंदे बैठे, क्योंकि कूप के अंदर इतनी आसानी से यार कुछ दिखता है नहीं। तो एक बंदे को पेला, उसके बाद दूसरे बंदे का इधर मेरे को फुटस्टेप तो आया, लेकिन मेरे को लगा कि यार शायद से कोई ग्लिच होगा, बिकॉज जब भी मैं यार यहाँ पे किसी बंदे को गाड़ी से उतरता ना तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे ई वाला ग्लिच मेरे साथ होता रहता है। तो ये टीम वाले बंदों को तो अपन ने आराम से भर दिया था, बाकी इधर अगला जोन भी अपने में बन जाता, लेकिन इस बार अपन जोन के सेंटर में नहीं थे, जोन के एज पे आ चुके थे। तो अब यहाँ पे अपने को जोन बनने का वेट करना था, लेकिन उतने में यार पीछे की साइड जो बंदा होल्ड कर रहा ना उसका ग्रेनेड मेरे ऊपर आता है। तो अब यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार ज़्यादा देर तक अगर मैं नीचे की साइड होल्ड करूँगा तो यहाँ पे मेरा पीटी बन सकता है, इसी वजह से यार वहाँ पे मैं होल्ड नहीं करता, सीधा ऊपर की साइड आ जाता हूँ। एंड अभी के लिए यार इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार यहाँ पे अपने पे बन जाता है। सो अब अगर यार यहाँ पे जोन सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार यहाँ पे बस मेरे को होल्ड करना है। अब यार यहाँ पे आसपास में किसी भी बंदे को मैं फिलहाल उंगली नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को सामने की साइड ओपन में बहुत ज़्यादा दूर एक बंदा दिख जाता था, तो बंदे को टैप टैप मार के आराम से किल कर देता। तो बाकी भी इधर अगला जोन भी स्टार्ट होने वाला था, एंड मेरे पीछे की साइड जो बंदा था ना उसको इधर जोन के अंदर आना था। तो यार अब यहाँ पे मेरे को पता था कि यार बंदा जो है ना उसको अगर जोन के अंदर आना है तो यार बग्गी लेके निकलना होगा, तो यार जल्दी से मैं इधर नीचे साइड वापस से होल्ड करने आ जाता हूँ, क्योंकि यार नीचे साइड से ये वाले बंदे को मारने में आसानी होगी। और यार जैसे बंदा इधर जोन के लिए निकलता है तुरंत यार अपन बग्गी से उसको निकाल देते। बाकी इधर देखो मेरे को छोड़िए 4 और बंदे बचे थे, एक बंदा इधर मेरे को पता था यार सामने वाले स्क्वाड हाउस में, लेकिन बाकी जो बचे हुए बंदे थे ना उनमें से यार किसी के वजह इधर मेरे को लोकेशन नहीं पता था। एंड यार अब यहाँ पे मैं बस ऊपर साइड जाके होल्ड करने की सोच ही रहा था कि इधर मेरे को लेफ्ट साइड में एक बंदा स्पॉट होता है, तो यार आराम से वो वाले बंदे को भर देते। बाकी इधर वो वाला बंदा भी लेफ्ट साइड में किसी और बंदे को पेलने का ट्राई कर रहा था। और भाई जैसे इधर मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ भाई मेरे को बंदा स्पॉट होता है, आराम से यार बंदे को भरते। बाकी फिलहाल यार यहाँ पे नेक्स्ट जोन जो था ना वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका था, एंड अब यहाँ पे सामने वाला जो बंदा था ना वो इधर जोन के अंदर था। तो यार यहाँ पे मेरे को पता था यार जोन के अंदर जाने में मेरे को दिक्कत होने वाली, इसी वजह से यार यहाँ पे ना मैं पहले तो पीछे वाले बंदे की पेटी में से ना जितने भी थ्रोएबल्स मिलते हैं सारे के सारे थ्रोएबल्स उठाऊंगा, एंड उसके बाद यहाँ से जोन की तरफ निकल लूंगा। और यार जैसे जैसे यार टूटी फूटी भाई डासिया लेके जोन के अंदर अपन आ जाते हैं, एंड अब यहाँ पे सामने वाला जो बंदा था ना वो हल्का सा जोन के बाहर था।
तो यार पहले तो इधर मैं बंदे की कूप फोड़ के यार उसको फेलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यार बंदा शायद से उसको सिर्फ डैमेज ही होता है, बंदा इधर पूरी तरीके से मरता है नहीं। उसके बाद यहाँ पे भाई मेरे पास थ्रोएबल्स भी पड़े थे, तो यार बंदे को इधर मैं थ्रोएबल्स भी भरने का ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा थ्रोएबल्स से भी बच जाता है। एंड अब यहाँ पे बंदे को जोन के अंदर आना था, तो बंदा यार यहाँ पे धीरे धीरे स्मोक करके जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा था। अब भाई यहाँ पे लास्ट में बंदे की इधर मेरे को एक्जैक्ट लोकेशन पता थी, यार बंदे के बदले इधर मैं ग्रेनेड करने का भी ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो था ना फिर इधर ग्रेनेड देख के यार सीधे मेरे ऊपर ओपनली पुश करने आ जाते हैं। सो यार आराम से यार बंदे को किल कर देते, बाकी यार ये वाले गेम में अपने को अच्छा खासा ओपी सा प्लस मिल जाता है। बाकी यार बढ़ते आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ, तो देखो ये वाला जो गेम रहने वाला है ना लिटरली यार एकदम ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि लास्ट में ना जोन जो था वो हल्का सा पानी के अंदर रहते और पानी के अंदर ना कम से कम 6-7 बंदे भाई इधर से उधर तैर रहे थे। एंड यार जो पानी के अंदर कॉन्वर्जेशन होती है ना वो तो देख के यार आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। बाकी यार गेम में तो यार बहुत ज्यादा फन है, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वाला गेम मिस कर दिया तो यार आप क्या ही और कुछ देख पाओगे। अभी के लिए तो देखो यहाँ पे ना जोन जो था वो इधर वापस से ऑलमोस्ट सेम टू सेम जगह पे बना था। अभी के लिए यार मैं सीधा वो साइड नहीं जाता, बिकॉज यहाँ पे जोन जो था ना वो 70% ये साइड था एंड 30% वो साइड था, तो मेरे को लगा कि यार ये साइड आने के चांसेस ज्यादा है। तो यार अभी के लिए पहले तो मैं सोच रहा था कि यार सीधा वॉच टावर पे जाके होल्ड करूंगा, क्योंकि वहां पे ब्रिज कैंप करके यार मैं अच्छे खासे किल्स निकाल सकता हूँ, लेकिन वहां पे ऑलरेडी यार बंदे होल्ड कर रहे थे, तो अब सीधा तो यार वहां पे मैं जा नहीं सकता था, इसी वजह से यार ये वाले बंकर्स की साइड आ जाता हूं। एंड अभी के लिए यार यहां पे आसपास कोई भी बंदा था नहीं, तो फिलहाल तो अपन आराम से यहां पे होल्ड करेंगे। एंड दूसरी तरफ यार यहां पे जोन भी क्लोज इन हो ही रहा था, सो चुपचाप यहां पे बैठे-बैठे यार जोन पूरी तरीके से क्लोज इन होने का वेट करेंगे। लेकिन उतने में यार पीछे की साइड से यहाँ पे मेरे को क्यूएस का साउंड आता है, एंड ये बंदे ने ना जो गलती करी यार वो गलती कभी भी आप मत दोहराना, क्योंकि बंदा जो था ना वो बिना देखे यार सीधा ये वाले भाई बंकर की साइड घुसा देता है। एंड हाँ यहाँ पे कुछ गलत मत समझ लेना, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, बाकी भी के लिए देखो यार यहाँ पे अगला जोन जो था ना वो आई साइड शिफ्ट हो चुका था, तो अब यहाँ पे अपने पास कोई चॉइस थी नहीं सीधा कंपाउंड्स के ऊपर पुश मारने के अलावा, तो मैं अपनी बग्गी उठाऊंगा एंड फिलहाल यार सीधा कंपाउंड्स की तरफ स्लैम देंगे। और लेकिन यार ये वाले कंपाउंड में फ्लैश कोई भी बंदा होल्ड नहीं कर रहा था, जो भी बंदा इधर होल्ड कर रहा था ना वो इधर वॉच टावर के ऊपर जा चुका था। तो अभी के लिए यार यहाँ पे अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट जोन के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन मिल चुकी थी, एंड ऊपर से यार ये वाली जगह जोन के सेंटर में भी थी, तो अब इस चीज का अपने को फायदा भी उठाना था किल्स निकाल निकाल के। अब भाई ये वाले कंपाउंड पे होल्ड किया काफी टाइम हो चुका था, लेकिन वो कूप वाले बंदे को छोड़ के यहाँ से एक भी बंदा नहीं दिख रहा था, तो यार यहाँ पे एक भी अपने को किल मिलता है नहीं। बाकी यहाँ पे अपनी किस्मत भी फूटी हुई थी कि यार अगला जोन जो था ना वो आगे साइड शिफ्ट हो चुका था, एंड यार यहाँ पे अपन ब्रिज से भी नहीं जा सकते थे, बिकॉज यहाँ पे ब्रिज पे ऑलरेडी भाई एक बंदा होल्ड कर रहा है। अब यार यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि यार जोन स्टार्ट होने का वेट करो, एंड जोन स्टार्ट होने के बाद सीधा यार यहाँ पे बग्गी लेके पानी के अंदर घुस जाओ, बिकॉज ब्रिज से जाना मतलब यार खुदकुशी करने जैसा ही होगा। लेकिन अभी इधर मैं सामने की साइड जिस बंदे को पेला ना वो बंदा जहाँ पे भाई बग्गी अपने टिकाया था ना वो जगह अभी भी इधर जोन के अंदर थी, तो यहाँ पे मैं प्लान बना के बैठ चुका था यार अगला जोन जैसे स्टार्ट होगा तो यार बग्गी लेके वो वाली जगह पे होल्ड करने चला जाऊंगा। अब यार यहाँ पे अपना प्लान जो था ना वो तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन मेरे पीछे साइड एक ढांसे वाला बंदा आ जाता है। सो पहले तो इधर मैं सोच रहा था कि यार कोई दूसरी जगह जाके होल्ड कर लूंगा, लेकिन इससे बेटर जगह यार शायद से यहाँ पे मेरे को मिलती, तो यार मैं घूम फिर के वापस ये वाली जगह पे आ जाता हूँ। एंड अब यार ये वाले बंदे को पहले तो इधर ग्रेनेड से पेलने का ट्राई करेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे किस्मत भी इतनी खराब थी कि यार ग्रेनेड जो था ना वो सामने वाले पेड़ पे लग के यार वापस से मेरी तरफ ही आ जाता है। सो अब यार यहाँ पे मैं पीछे साइड से भी ओपन था, तो पहले तो यार यहाँ पे मैं पीछे साइड एक स्मोक कर देता हूँ।
हाँ भैया, इधर पहला जो ग्रेनेड था वो तो इधर सामने वाले पेड़ पे लग के वापस आ जाता है, लेकिन हर एक ग्रेनेड थोड़ी यार वापस आएगा। दूसरा ग्रेनेड एकदम ही परफेक्ट फेंकता हूँ, आराम से बंदे को पेल देते, बाकी इधर जोन भी स्टार्ट होने वाला था। एंड अब यहाँ पर मेरे को पता था कि जोन जो है वो पानी के अंदर ही जाने वाला है, एंड मेरे को काफ़ी देर तक पानी के अंदर होल्ड करना पड़ सकता है। सो ये वाले बंदे के क्रेट से मेरे को जितने भी हीलिंग्स मिलते हैं ना, बैंडेजेस हो गए, फिर हेल्थ किट्स हो गई, सारी उठा के अब अपनी बग्घी उठाएंगे एंड सीधा पानी के अंदर घुस जाएंगे। और दूसरी तरफ यार अब यहाँ पे जोन भी स्टार्ट हो ही चुका था, तो बस अब यहाँ पे अपने को चुपचाप बैठे बैठे पानी के अंदर हीलिंग्स मारनी थी, एंड सामने वाले जितने भी बंदे थे ना सबको आपस में फाइट करने देना था। एंड अब भाई यहाँ पे जो मजा आने वाला है ना वो बस देखते जाओ। अब भाई यहाँ पे अगला जोन जो था ना वो हल्का सा आई साइड शिफ्ट हो चुका था, एंड अब यहाँ पे ना सामने की साइड जो ये थी ना उसके आसपास इतने भाई बंदे इधर से उधर हो रहे थे ना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मछलियाँ जो है ना वो खाने के आसपास ऐसे जो क्या बोलते कि इधर से उधर घूमती रहते ना, वैसे यार ये वाले बंदे भी आपस में इधर से उधर घूम रहे थे। सो अब भाई यहाँ पर मेरे को जोन के अंदर भी जाना था, तो एक लास्ट हेल्थ किट लगाता हूँ मैं, एंड उसके बाद यार सामने की साइड यूएस की तरफ निकल लेता हूँ। वाकई उधर यहाँ पर ना जो कन्वर्जेशन इन लोग के आपस में हो रही थी ना वो बस सुनो। भाई यहाँ पे मेरे आसपास जो तीन चार बंदे घूम रहे थे ना वो भाई आपस में ये बात कर रहे थे कि अभी के लिए यार जोन जो है वो पानी के अंदर ही रहेगा, तो अपन आपस में टीम अप करके यार जितने भी बंदे बचे हैं ना भाई जोन के अंदर उन लोग को पेलेंगे, एंड भाई लास्ट में देख लेंगे क्या करना है। सो मैं यहाँ पे भाई बस वेट करके ही बैठा था कि यार कोई अच्छा सा मेरे को इधर मौका मिले, एंड यार ये वाले बंदे वो पेलूंगा। बाकी इधर अगला जोन जो था वो भी इधर जमीन की तरफ शिफ्ट हो चुका था, तो अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं वो देखना। अब भाई देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो ऊपर जाके जल्दी से एक स्मोक करके वापस से आ जाता हूँ, क्योंकि अब अगर यहाँ पे मैं बिना स्मोक करके ज़मीन के ऊपर जाऊँगा ना तो ये वाले बंदे यार पीछे से थर्ड पार्टी करके मेरे को निपटा सकते हैं। इसी वजह से यार पहले इधर एक स्मोक करता हूँ एंड सीधा यार भाग के फिर पेड़ के कवर में आ जाता हूँ। बाकी भी यार यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में भी एक बंदा था, तो यार उस साइड एक स्मोक करके यार फिर ये वाले बंदे को देखेंगे। अब यार यहाँ पे मैं अपने आप को बूस्ट मार ही रहा था कि इधर मेरे को राइट साइड से साउंड आता है कि वो एक बंदा जो है ना वो इधर जमीन के ऊपर चढ़ चुका है, तो मैं जरा सा भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तुरंत यार बंदे के ऊपर पुश मार के आराम से किल कर देते। बाकी उधर मेरे सामने की साइड पे एक बंदा था एंड मेरे पीछे की साइड अभी भी एक बंदा था जो कि इधर पानी के अंदर ही था। एंड अब इधर मेरे ऊपरी साइड वाला जो बंदा था ना वो इधर बारी बारी से मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था। अब ये देखो यहाँ पे क्या सीन था कि पहले भाई बंदा इधर बैक टू बैक मेरे ऊपर ग्रेनेड भर रहा था, उसको पता था कि यहाँ पे मैं ही होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन बंदा फिर भी इधर मेरे ऊपर ग्रेनेड भर रहा था। लेकिन जैसे इधर बंदा जो है वो जोन के बाहर हो जाता है, बंदे के पास यहाँ पे कोई भी कवर रहता है नहीं, तो यार बंदा इधर जंप करने लगता है, तो अब भाई यहाँ पे मैं कोई भी रिस्क लेता हूँ नहीं, बंदे को इधर आराम से पेल देते भाई यार ये वाले गेम में अपने को 15 का प्लस मिल जाता है। सो बस ये था गेम प्ले, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से नया हो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। See you again.